हमारे भारत देश में कई तरह के प्राकृतिक स्थान उपलब्ध है, जिनमें से कई जगह पहाड़ी इलाकों के लिए जानी जाती है तो कोई जगह बारिश के लिए जानी जाती है। वहीं कुछ जगह ऐसी है जहां जाकर आपको स्वर्ग की शांति का अनुभव होता है। मेघालय भी भारत का एक ऐसा स्थान है जो भारत के पूर्व में स्थित है, जिसको बादलों का घर और मिनी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इस खूबसूरत राज्य के बारे में रोचक जानकारी बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेघालय भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जो पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है, जिसमें सुंदर पर्वतमालाएं, भारी बारिश, लुभावने और मनमोहक झरने, नदियां और घास के बने मैदान शामिल है, जिसको देखने के लिए हर साल दुनिया में से सभी जगह से लोग आते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है जो बेहद ही खूबसूरत है और इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था, लेकिन सन 1972 को असम के खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र को काटकर एक नया राज्य घोषित कर दिया गया, जिसका नाम मेघालय रखा। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम और चेरापुंजी में ही होती है। इन दोनों क्षेत्रों में साल के 12 महीनों में से 10 से 11 महीने बारिश होती है। मेघालय में नोंग कर्म फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, जो हर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों का होता है। यह त्योहार मेघालय की खासी जाति द्वारा फसल धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। मेघालय में एक और त्योहार बड़े पैमाने में मनाया जाता है, जिसका नाम है वंगला फेस्टिवल। यह त्योहार गारो जाति के लोगों द्वारा भगवान सूर्य नारायण को धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर कटाई के समय शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है, जो 2 दिनों तक चलता है। मेघालय में मुख्य रूप से खासी, गारो और जयंतिया यानी कि पनारा जाति के लोग बसते हैं। इसके अलावा हजोग और तिवा जनजाति के लोग भी यहाँ रहते हैं। मेघालय में करीब 75% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। मेघालय अपनी वेशभूषा और संस्कृति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। मेघालय की महिलाएं पारंपरिक पहनावे में ही रहना पसंद करती है। उनके इन पहनावे को जैनसेन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मेघालय की गारो जनजाति की महिलाएं ब्लाउज के साथ लुंगी पहनती है, जिसको डाक मंडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खासी जनजाति के पुरुष अपनी कमर के चारों तरफ लंबा कपड़ा और पगड़ी पहनते हैं। मेघालय की करीब 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। मेघालय में कई तरह की कृषि होती है, लेकिन चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। मेघालय का करीब 70% हिस्सा जंगल से भरा हुआ है। मेघालय में 3 वन्य जीवन अभयारण्य है, जिनमें नोंग खाइलैंग, सिजू अभयारण्य और बाघमारा अभयारण्य शामिल है। मेघालय ऑर्किड्स के लिए बहुत ही फेमस है। ऑर्किड्स एक तरह का फूल है, जिसको करीब 325 से भी ज्यादा प्रजातियां मेघालय में पाई जाती है। ज्यादातर ऑर्किड्स मासमाई, मालमूल और सोहिराम के जंगल में पाई जाती है। मेघालय में हर तरह के जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लाल पांडा, हाथी, भालू, जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर, दुर्लभ प्रजातियों के चमगादड़ भी पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्निबल यानी कि धनेश पक्षी यहाँ पर बड़े पैमाने में पाए जाते हैं। इसके अलावा हरे कबूतर और ब्लू जे भी यहाँ पर काफी संख्या में पाए जाते हैं। मेघालय के तुरा शहर में मौजूद नोकेरेक नेशनल पार्क पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। मेघालय में मौजूद मावलिन नांग गांव को सन 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का अवार्ड मिला था। इस गांव पर सभी लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, फिर भी यहां का साक्षरता दर 100% है। मेघालय में मौजूद नोहकली काई झरना पूरी दुनिया का 4th नंबर का ऊंचाई से गिरने वाला झरना माना जाता है। यह करीब 335 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें जरूर बताना, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।